भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सोनंग वांगचुक को दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। कौन है सोनंग वांगचुक? आप तो जानते ही, लद्दाख में रहते हैं, पूरे देश का उन्होंने खूब मान सम्मान बढ़ाया है। उनके इनोवेशंस, उनके एजुकेशन के आइडियाज़, समाज के लिए उनके आइडियाज़, पर्यावरण के लिए उनके काम, उससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है। वो आदमी अपने कुछ लद्दाख के एमिनेंट लोगों को लेके, जिसमें वहाँ के सोशल वर्कर हैं, जिसमें वहाँ के आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें वहाँ के समाज के लोग हैं अन्य वर्गों से, उनको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचे। उनका इरादा था कि 2 अक्टूबर को बापू के सानिध्य में बैठ के लद्दाख की स्थिति पे चर्चा करेंगे। कौन सी स्थिति पे? वही स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख से छीन ली है, लद्दाख के अधिकार जो छीन लिए हैं। क्या अधिकार छीने? लद्दाख कुछ साल पहले तक पूर्ण राज्य होता था, लेकिन लद्दाख को भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया। सोनंग वांगचुक और लद्दाख के बहुत सारे लोग इस मांग को लेके दिल्ली आ रहे थे कि साहब, भारत में लोकतंत्र है, संविधान में लोगों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार है, राज्य सरकार चुनने का अधिकार है, हमें अपनी राज्य सरकार चुनने का अधिकार दो, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करो, ये जो आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, इस मांग को लेके वो आ रहे थे दिल्ली। गांधी समाधि पे बैठने आ रहे थे, 2 अक्टूबर के दिन बैठने आ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी फोर्स लगा के उनको दिल्ली में बॉर्डर पर घुसने से पहले अरेस्ट कर लिया। उनको अभी थाने में बंद करके रखा हुआ है। ये कर क्या रही है केंद्र सरकार? दिल्ली तो सबकी है, उत्तर प्रदेश वालों की भी है, कर्नाटक वालों की भी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतवासी का अधिकार है, दिल्ली उसकी है। पहले आपने पंजाब से आए हुए किसानों को रोक लिया, आज लद्दाख वालों से रोक लिया। क्या लद्दाख वालों की दिल्ली नहीं है? क्या पंजाब वालों की दिल्ली नहीं है? आप कहीं किसी को भी दिल्ली में घुसने से रोक लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि वो राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं सोच रहा था क्यों उन्होंने सोनंग वांगचुक को गिरफ्तार किया, कि सोनंग वांगचुक आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस खतरे की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है। सोनंग वांगचुक इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वो लद्दाख की आवाज़ लेके, लद्दाखियों के साथ लेके, लद्दाख से पैदल चलते हुए, पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। उनको गिरफ्तार कर लिया एक ऐसे आदमी ने जिसने पूरे देश का नाम बढ़ाया हो। आपका क्या बिगाड़ा है? वो आतंकवादी है क्या सोनंग वांगचुक? वो अपराधी है सोनंग वांगचुक? एक आवाज़ लेके तो आपके पास आ रहे हैं, उनको आने दो दिल्ली, आप उनको अरेस्ट क्यों करते हो? बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है कि हर एक राज्य को धीरे धीरे टेक ओवर करके यूनियन टेरिटरी बना दो, आज सोनंग वांगचुक लद्दाख की उस आवाज़ को लेकर दिल्ली आ रहे थे, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। इस आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। पूरा देश आज सोनंग वांगचुक के साथ खड़ा है, आम आदमी पार्टी नहीं, पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश सोनंग वांगचुक के साथ खड़ा है। उन पर गर्व है और हमें शर्म आती है कि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो देश के किसी नागरिक को दिल्ली में आने से रोकती है। पहले पंजाब के लोगों को रोका, अब लद्दाख के लोगों को रोक रही है। कल धीरे धीरे पूरे देश के सभी राज्यों को यूनियन टेरिटरीज बना देंगे और उन राज्यों से कभी भी कोई दिल्ली आएगा तो इसी तरह से रोकेंगे।